हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। और नहीं उसामा क्यों खफा हो? अच्छा तो गाइस हम बहुत दिनों से अपने प्रोजेक्ट में बिजी थे, इसलिए कोई बाहर लंच के लिए नहीं गए थे। तो आज हमने उसामा भाई को भी घर से लाए और इसको कहे कि आज लंच के लिए जाते हैं हम तीनों, ओरेरा में और वसाम। तो अभी हम वसाम और अभी हम बादशाह इस्तांबुल में इधर लंच करेंगे। उसके बाद हमारा प्लान है केक काटने का, क्योंकि ओरेरा की बर्थडे भी है, तो वो केक भी हम आपको दिखाएंगे और लंच भी आपको हम बादशाह इस्तांबुल का दिखाएंगे। तो अभी हम ऑर्डर करेंगे। अच्छा तो गाइस हमने लंच प्लान किया था बादशाह इस्तांबुल में, लेकिन ये ओरेरा का बर्थडे मंथ भी है, तो हमने सोचा क्यों ना उसे सरप्राइज़ दे। तो अभी उसामा भाई घर से आया, उसने केक भी, ये किधर से लाए हो भाई? क्रेप से। कौन सा केक है दिखाओ ज़रा, कौन सा? कैरेमल चॉकलेट। ये कैरेमल चॉकलेट केक उसके लिए। तो अभी हम पहले लंच करेंगे और उसके बाद हम केक भी काटेंगे इधर बादशाह इस्तांबुल में। तो आपको भी दिखाते हैं, लेट्स गो। अगर अभी ये लिफ्ट रुक गए फिर क्या करेंगे? गर्मी भी बाहर बहुत ज्यादा है। गर्मी बाहर भी ज्यादा, अंदर भी ज्यादा। हाँ बाहर से तो अच्छा है, अंदर तुम्हारे कपड़ों से भी पता लग रहा है। देखो इसके कपड़े भी सारे गीले। चलो अभी इधर हमने ये जगह रिजर्व की है, इधर बैठेंगे और उसके बाद लंच करेंगे। फाइनली बहुत प्लानिंग के बाद हम आए गए बादशाह इस्तांबुल। हमने बहुत इरादा किया था, बहुत प्लान भी बनाए थे, पर सब फेल हो गए हमारे स्नेक दोस्तों की वजह से। तो स्नेक दोस्त के सामने बैठी भी है, एक ये भी है स्नेक। तो फाइनली अभी हम यहाँ आ गए। तो हमने सुना है बहुत से फ्रेंड से कि यहाँ का प्लेटर बहुत मजे का है, तो हमने ऑर्डर दिया उसका। तो आते हैं, हम ट्राई करते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं और आप लोग भी ज़रूर यहाँ पर आए, फिर अगर हम बताएं तब जाने, वरना ऐसे नहीं जाना।
तो यार टेस्ट तो बहुत मज़े का है। और ये है लैम्ब, इसको चाम कहते हैं ना, चाम। ये कबाब है, तुर्किश कबाब, ये कोई दूसरी किस्म का कबाब है। और ये विंग्स है, और ये चिकन है, और राइस, ये नान है, हाँ ब्रेड है ये, तो टेस्ट बहुत अच्छा है। I highly recommend this place.